आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी आज की मेज़बान मन्नत शुजा। इस्तकबाल करती हूं आपका हमारे प्रोग्राम यूथ फोरम में। नाजरीन, सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आजकल सभी इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्यों इस मुद्दे के बारे में बात करना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सोशल मीडिया के भी अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इसी मौजू पे आज बात करने के लिए हमने कुछ मेहमानों को दावत दी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका उनसे तारुफ करवाती हूँ। आप हैं मिस आयत, जो कि एक मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट है और एक राइटर भी। आप हैं इब्तिसाम फराज, जो कि एक मास्टर स्टूडेंट है मास कम्युनिकेशन। आप हैं मिस्टर शबीर, जो कि एक PhD इन इस्लामिक स्टडीज हैं। तो आयत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की आज हमारी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना वाइडली ये यूज किया जाता है यूथ में या बच्चों में, तो क्या समझती हैं क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द कैजुअल सोशलाइजिंग जिसको हम कहते हैं, उसके बरक्स अगर हम देखें, उसके अलावा सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आज के दौर में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको लोगों से कनेक्ट करना है, आपको किसी डॉक्टर से बात करनी है, आपको कुछ मेडिकल नॉलेज की ज़रूरत है, सो यू डोंट हैव टू वेट एंड यू नो वेट फॉर योर अपॉइंटमेंट विद योर डॉक्टर्स, यू डोंट हैव टू वेट अ लिटल लॉन्गर बिकॉज सोशल मीडिया हैज़ मेड इट अ बिट ईजियर फॉर पीपल टू रीच आउट टू अदर पीपल, राइट? सो आई थिंक मेजर सिग्निफिकेंस अगर हम देखें सोशल मीडिया की, यही है कि इट हैज़ मेड कनेक्टिविटी वेरी सिंपल, इट हैज़ मेड द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग टू पीपल एंड रीचिंग आउट टू पीपल वेरी सिंपल। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल डॉक्टर शबीर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नज़दीक क्या इम्पोर्टेंस होल्ड करता है सोशल मीडिया? जहाँ तक इस सोशल मीडिया का ताल्लुक है, इसकी जो तारीख है, इसकी जो हिस्ट्री है, वो पुरानी है। यानी पुराने ज़माने में, एंशंट एज में, उस टाइम से भी इस्तेमाल किया जाता कि इतला के ज़रिए से, इंफॉर्मेशन के ज़रिए से, मकतूब के ज़रिए से। अब जदीद ज़माने में ये बदल गया है, तो अब क्या है, प्रिंट मीडिया आया है, मास मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, और जदीद ज़माने में इसने जगह ली है कि इसका जो मतलब है, लिटरल मीनिंग है, वो है आइडियाज। यानी हम अपनी सोच, यानी पॉजिटिव सोच हम शेयर करेंगे सोसाइटी में, और थॉट्स यानी अपने नजरियाती सोच हम देंगे सोसाइटी को। हर किसी चीज़ के मनफी पहलू भी होती है और पॉजिटिव पहलू भी होती है। जहाँ तक पॉजिटिव का ताल्लुक है, कि जो सोशल मीडिया के बगैर आज सोशल लाइफ अधूरी है, इनकम्प्लीट है, लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट मीडिया। क्यों? क्योंकि हम पहला इम्पैक्ट क्या है इसका, तालीम का, यानी तालीम क्या है, ये एक बुनियादी चीज़, फंडामेंटल राइट है हर किसी इंसान का। तो इसके ज़रिए से हमें तालीम आम हो गई। क्यों? एजुकेशन, क्योंकि हमारे आज के 25-30 साल पहले अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे कि ज़्यादा नाखवानदा लोग थे। पॉजिटिव पहलू ये भी है कि इस मीडिया के ज़रिए से हम घर बैठे बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं, और जो हमारी ये जो इलिटरेसी रेट है ये बढ़ गई है। और दूसरा जो इसका फ़ायदा है, वो है कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन के ज़रिए से, यानी कि वो दूरियाँ ख़त्म हो गई है, कौमों ने तरक्की की है। जब कौमों में बेदारी आती है, उन्होंने तरक्की किया, और इस मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से वो दूरियां खत्म हो गई है, और कौम सामने आ गई, और टेक्नोलॉजी बढ़ गई, और क्या है, तिजारत बढ़ गई। इसके बहुत सारे पहले इंपॉर्टेंस है, यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है इसकी। तो ये मुझे लगता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इब्तिसाम, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि हमारे मेहमानों ने कहा कि इंफॉर्मेशन मिलना, किसी चीज़ की अगर हमें ज़रूरत है तो हम सोशल मीडिया पे जाके या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में जाके वो इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, तो इस चीज़ को लेके, ईजी एक्सेसिबिलिटी जो है इंफॉर्मेशन को लेके, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है, इट्स एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, एवरीथिंग बेस्ड, योर जॉब, योर लिविंग, जो भी है वो सब बेस्ड है आपकी इन्फॉर्मेशन पे। जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेटिव हो, न्यूज़ अपडेटेड हो, दुनिया में क्या हो रहा है आपको जो पता हो, देन यू आर सक्सेसफुल। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप इस दुनिया में, देन यू आर अ लूजर, दैट्स हाउ यू विल सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड इसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इवन छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और बुजुर्ग भी इसको अब यूज़ करते हैं, एंड दे लाइक इट, and they like to watch all those, you know, watch news updates, जो भी कश्मीर में, कहीं पे भी दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है। तो जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल ही easy accessibility है,
इतना ही नहीं, उसके अलावा इट्स इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन एज वेल. अगर किसी को नौकरी की जरूरत है, यू नो व्हाट द डिमांड ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस इज, दे विल चेक योर जॉब प्रोफाइल्स लाइक सोशल मीडिया अकाउंट्स, कि किस तरीके से आप सोशलाइज कर रहे हैं लोगों से, व्हाट इज योर पोस्ट, व्हाट इज द कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग. कंटेंट क्रिएटिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट यू नो टॉपिक. यू नो इवेंचुअली द न्यू टॉपिक्स कम अक्रॉस व्हेन वी डिस्कस सोशल मीडिया, बिकॉज इट्स नॉट ओनली सोशल मीडिया, देयर इज कंटेंट, देयर आर इन्फ्लुएंसर्स. सो nowadays what happens ki there are so many social media influencers, they create a lot of content and then they are verified accounts, celebrities and VIPs. uske alawa it's very important. तो अगर मैं बात करूं, जैसा हमने अभी जाना कि हमने सुना, आप लोगों ने बताया कि इन्फॉर्मेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल सोशल मीडिया प्रोवाइड करने में प्ले करता है. अगर मैं ये कहूं कि जो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो फिल्टर नहीं हो रही है, वो हर तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, हमें नहीं पता द सोर्स जहां से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही है या नहीं. और कई बार ऐसा होता है कि हम वेरीफाई भी नहीं करते हैं कि जो हम तक बात पहुंची है वो ठीक है या नहीं, हम उसको आगे बिना सोचे उस प्लेटफॉर्म को यूज करके उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं. तो मैं ऐड करना चाहता हूं इस पर, पहले तहकीक करना है. और हदीस में है कि खजुमा सफा वदिमा कदर, कि गहरन से अच्छी चीज ले लो और बुरी चीज को वापस करो, यानी रिजेक्ट एक्सेप्ट द पॉजिटिव एंड रिजेक्ट द नेगेटिव. और जहां तक इस मीडिया का ताल्लुक है, अगर हम नेगेटिव रोल की बात करेंगे कि तो ये मैं इसे पेश है एक हॉट वाटर बॉटल, इसकी गर्माहट दे नेचुरली आराम. सो लेट्स प्ले हिक्स हॉट वाटर बॉटल. करता हूं कि उसने ये भी बताया कि ये बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, बुजुर्ग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई लिमिट होना चाहिए, एज लिमिट होना चाहिए. बच्चे इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो ज्यादातर इसका नेगेटिव फायदा उठाती है. यानी अगर कोई इजादत आई, अगर कोई नई चीज ईजाद हुई है तो हमें पहले अवेयरनेस देनी चाहिए. यानी हमें बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि इसके पॉजिटिव किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, एक गाइडलाइन होता है. लेकिन पेरेंट्स, मुझे लगता है कि पेरेंट्स पहले इसके जिम्मेदार होते हैं, कि पेरेंट्स को उनको इन्फॉर्मेशन देती है, उनको गाइडलाइन करनी है कि किस तरह से आपको इसको यूज करना होता है, कि तालीम यानी एजुकेशन के बारे में, या किसी वो गेम्स खेलते हैं और गेम में वो इतना मोहित हो जाते हैं कि टाइम का पता नहीं चलता है. क्योंकि टाइम का जो वैल्यू है आज के जमाने में, टाइम का बहुत वैल्यू है, कि टाइम वेट्स फॉर नन. आपको रोक के आयत से ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमने सुना बच्चों के बारे में डॉक्टर शबीर ने हमें बताया कि वो इसका काफी वाइडली यूज करते हैं, तो जैसे कि इन्फॉर्मेशन फिल्टर होके हम तक नहीं पहुंचती है, तो इस चीज को लेके आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? टू बी ऑनेस्ट, मेरी नजरिए में ये एक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न आई हैव अबाउट सोशल मीडिया, कि आज के दौर में वो भी एक टाइम था जब आप यू हैड टू रीच अ सर्टन एज, कि जब आपको फोन मिलता था, एक्सेस मिलता था इंटरनेट को. टुडे इवन अ 10 ईयर ओल्ड 12 ईयर ओल्ड हैज द सेम एक्सेस टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एज यू हैव और आई हैव. बिल्कुल. लेकिन इट इज नॉट ऑल गुड, इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि सोशल मीडिया पर आप देखते हैं हर तरह का कंटेंट जो है जेनरेट होता है. देर इज नो फिल्टर एंड देर इज नो एज बार एज सच, कि अगर आप इस एज के हो तो वो कंटेंट आपके लिए विजिबल नहीं होगा. यू इफ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम फॉर इंस्टेंस, जो मैं देख सकती हूँ वो आप भी, इट इज पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू व्यू द सेम थिंग, राइट? और बचपन मेरे नजरिए में एक ऐसी एज जो होती है, 12-13, ये वो एज होती है जब बच्चा खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है कि वॉट ओपिनियन इज करेक्ट एंड वॉट इज रॉन्ग. तो ऐसे सिचुएशन में जब हम वेन वी बॉम्बार्ड अ किड विद सो मच इन्फॉर्मेशन और उसे पता नहीं है वट आई हैव टू डू विद ऑल ऑफ इट, तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में नंबर वन रोल इज पेरेंट्स का. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इवन आई एम टोटली अगेंस्ट दोज पेरेंट्स जो अपने बच्चों को फोन देते हैं बट दे डोंट यू नो कीप एन आई ऑन देम एंड दे डोंट चेक द कंटेंट देयर दैट्स रीचिंग देयर किड्स, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक पेरेंट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बिल्कुल बिल्कुल. आजकल के जो हमारे पेरेंट्स हैं, ऐसा जनरली नहीं होता है बट देर आर पेरेंट्स जो कि चाइल्ड हैंडलिंग को फोन के साथ एसोसिएट कर देते हैं. तो यहाँ आगे बढ़ते हैं. मैं हैव समथिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों से अलग है. ये अलग है कि सोशल मीडिया इज अनकंट्रोलेबल, यू कांट कंट्रोल इट. बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. इफ आई हैव टू डील विद किड्स एंड मैंने उन्हें फोन दिया है एंड दे हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक श्योर कि मैं उन्हें बताऊं कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए इस चीज को. यू नो हाउ इट कैन बी डन इज, इन टूडेज वर्ल्ड
introduce a subject in the school curriculums. That's the best option. Exactly right. It is a part of life. Like ये अब है हमारा हिस्सा और ये अलग नहीं होने वाला. तो अब इसको ठीक करने के लिए, इसके इस्तेमाल को सही यूज करने के लिए, इस चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लान कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए. रही बात पेरेंट्स डोंट नीड टू बी हार्श ऑन देयर किड्स, स्पेशली टीनेज किड्स, बिकॉज उनको डील करना बहुत ही मुश्किल होता है एंड दे नीड अंडरस्टैंडिंग इन लव एंड केयर. नॉट आपको रखनी है नजर, बिल्कुल रखनी है, लेकिन उसका भी एक तरीका है, एक अलग वेज, देर आर डिफरेंट वेज टू डील विद दैट. सो आई बिलीव कि अगर किड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जस्ट इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट इन टू स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज. इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स क्रूशल, वी शुड नो हाउ टू डील विद इट. बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपकी इस बात से अग्री करूंगी इब्तिसाम, कि अगर हम बच्चों को इनिशियल स्टेज से ही बताएं कि हाउ दे कैन मेक अ प्रॉपर यूज ऑफ सोशल मीडिया, तो मुझे लगता है इस तरीके की प्रॉब्लम्स काफी कम हो जाएंगी हमारी सोसाइटी से. तो अगर मैं बात करूं इब्तिसाम, ट्रोलिंग या बुलिंग की जो चीजें सोशल मीडिया पे होती हैं, काफी बार हम ऐसा देखते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या जो नॉर्मल हमारे फ्रेंड्स सर्कल में लोग होते हैं, उनको कई बार ऐसे कमेंट्स पढ़ने को या सुनने को मिलते हैं विच आर नेगेटिव, और वो एक जहनी प्रेशर क्रिएट कर देते हैं उस इंसान पे. तो उन सारी चीजों को लेके आपका क्या कहना है? इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ सोशल मीडिया, इट्स द फॉल्ट ऑफ ह्यूमन काइंड. इससे इंसानों के अंदर की जो गंदगी होती है ना, वो बाहर निकलती है. मुझे भी कुछ पोस्ट पसंद नहीं आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक मेरी जितनी भी 23 इयर्स ऑफ माय लाइफ, एंड नॉट सेइंग कि 20 लाइक फर्स्ट आई वाज बोर्न एंड देन यूज सोशल मीडिया, नो, व्हेन टीनेज में जब भी स्टार्ट किया, आई नेवर कमेंटेड एनी, नॉट इवन अ सिंगल बैड कमेंट ऑन एनी ऑफ द पोस्ट जो मुझे नहीं पसंद आया. आपको पोस्ट नहीं पसंद आ रहा है, आप सिंपली उसको स्वाइप करें, या देयर इज अ ऑप्शन, हाइड का ऑप्शन होता है कि आपको कोई कंटेंट पसंद नहीं, आपको नहीं वो कंटेंट मिलेंगे. आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, कोई मसला नहीं. बट आप जब करते हो ना वो गंदी हरकत, जब आप एक बहुत ही वाहियात सा कमेंट कर रहे हो किसी पे भी, इवन अ ह्यूमन, नॉर्मल वुमन और मैन और इवन किड्स, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड इट हैज नथिंग टू डू विद सोशल मीडिया. व्हाट इट हैज, इट एक्चुअली शोज अस द कलर्स ऑफ ह्यूमंस, व्हिच इज, दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो इट्स इफ इट लाइक सिंस वी आर डिस्कसिंग इट हियर, इट्स अ मैसेज टू एवरी वन कि मेक श्योर कि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूज ऑफ सोशल मीडिया है कि हाँ, आप सपोर्ट करें. जब आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो आप कुछ बुरा भी ना बोलो. बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई हैव टू से. बिल्कुल. आयत, अगर मैं कहूँ कि कश्मीर को स्पेसिफिक होकर अगर हम बात करें, तो यहाँ के लिए सोशल मीडिया का जो यूज आजकल मैं जो पर्सनली नोटिस कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक तरह का करियर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कॉमेडी के थ्रू हो, एक्टिंग के थ्रू हो, डांस के थ्रू हो. मेकअप आर्टिस्ट काफी मैं आजकल देख रही हूँ जो कि सोशल मीडिया को यूज करके अपना एक स्किल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो जो पहलू है सोशल मीडिया का, जहाँ वो एक इंसान को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ वो अपने स्किल्स शो कर सकता है, अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर सकता है जहाँ से वो अर्न कर सके, अपना एक करियर उसको बना सके, तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक करियर ऑप्शन के तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं कितने मतलब अच्छे, या रिजल्ट किस तरीके का रिजल्ट दे सकते हैं एक इंसान को? मेरा मानना है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूजिंग सोशल मीडिया टू बिल्ड योर करियर एंड टू मेक अ करियर आउट ऑफ सोशल मीडिया. ठीक है, लोग, मैंने देखा है कि देर आर आर्टिस्ट्स जो सोशल मीडिया यूज करने से पहले दे वर नॉट नोन, उनका किसी को पता नहीं होता था कि ये फलाना पेंटिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं या गाना गाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने पॉजिटिवली उनका ऐसा इमेज बिल्ड किया ऑनलाइन कि अब उनको लोग जानते हैं. दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ करियर बिल्डिंग ऑन सोशल मीडिया. लेकिन ऐसे भी उससे ज्यादा वो लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सोशल मीडिया पर हैं टू गेट पब्लिसिटी एंड टू गेट अटेंशन. They are not, I've seen people who are not loyal to their art or loyal to their work. They are just there for attention and
पब्लिसिटी, तो उस तरीके और उस तरीके के लोगों को भी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है, बहुत ज्यादा अटेंशन मिलते हैं, फॉलोइंग मिलती है. तो आई थिंक इट सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स एन इम्बैलेंस कि यहाँ से आर्टिस्ट हैं, दे आर सफरिंग टू बी यू नो रिकॉग्नाइज्ड एंड नोन, और वहां से लोग हैं हु आर नॉट डूइंग इनफ और जिनका जो अप्रोच है वो सही नहीं है, बट जस्ट बिकॉज दे आर प्रेजेंटिंग इट इन अ फैंसी वे दे गेट मोर रिकॉग्निशन, दे गेट मोर अटेंशन. तो आई थिंक ऑडियंस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस. आई थिंक करियर बिल्डिंग के हिसाब से ऑडियंस शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं और किस चीज को पसंद कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर शबीर, अगर मैं अब आपसे कहूँ कि आपने भी नोटिस किया होगा कि कश्मीर में स्पेसिफिक, अगर हम कश्मीर स्पेसिफिक हो गए बात करें, तो काफ़ी ऐसे बिजनेस ओरिएंटेड लोग भी हैं, जैसे काफ़ी सारे पेजेस हैं, क्लोदिंग ब्रांड्स हैं, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, और कई तरह के आर्टिस्ट हैं जो कि कश्मीर के कल्चर और आर्ट को दे हैव टेकन अप टू सोशल मीडिया और वो दे सेल देयर प्रोडक्ट्स, इस तरीके की चीज़ें प्रमोट करते हैं अपने आर्ट को. तो आपको क्या लगता है, हाउ इज सोशल मीडिया हेल्पिंग देम? हाँ, इसका काफ़ी रोल है. तो सबसे पहले के इकोनॉमिक रोल इसका काफ़ी बड़ा है आज के ज़माने में, क्योंकि अगर हम 20-25 साल की बात करेंगे या 10 साल 15 साल 20 साल की बात करेंगे तो हमारा एक ही ये था, वो था किताबी मालूमात या न्यूज़पेपर्स के जरिए. तो न्यूज़पेपर्स के जरिए से हमें मालूमात इंफॉर्मेशन मिलती है कि इकोनॉमिक वैल्यू यानी किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज, इससे कम यानी लोगों को काफ़ी कम फायदा मिलता था, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे थे जहाँ तक ये न्यूज़पेपर का पहुँचना नामुमकिन था. लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से ये क्या, इसने ग्लोबल विलेज, क्या ग्लोबल फैमिली बन गई. तो आर्टिस्ट की जो टैलेंट है वो निखर गया, यानी सोशल मीडिया के जरिए से आर्टिस्टों की जो टैलेंट है, जो उनके उनमें जो सलाहियत है वो निखर गई लोगों के सामने, और लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह का टैलेंट उनमें है, तो वो फिर प्लेटफॉर्म आ जाती है और इनका भी रोजगार मिलता है और सोसाइटी को फायदा पहुंचता है, क्योंकि राइट्स एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड. एक प्रोवर्ब है कि राइट्स एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड. तो अगर लोगों को ये अवेयरनेस आ जाएगी, ये बेदारी आएगी, तो हमारा जो ये जो माशरा है वो पॉजिटिव हुई इसको इस्तेमाल करेंगे. नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि अब फैमिली में भी आइसोलेशन हो गई, क्योंकि बात नहीं करते, सिर्फ उसकी तरफ क्या बिल्कुल, वो बिल्कुल. बटन दबाए रहते हैं. मैं तो अग्री करूंगी आपकी इस बात से. पहले कुछ साल पहले, जैसे 5 साल 4 साल 10 साल पहले, बच्चे जो पेरेंट्स होते थे वो बच्चों को बाहर से पकड़ के लेके आते थे कि बहुत खेल लिए बाहर, अब घर में बैठो. पर आजकल ऐसा होता है कि वही पेरेंट्स अपने बच्चों को कह रहे हैं कि थोड़ा सा फोन में से निकल के बाहर जाके थोड़ा खेलो. तो वो चीज बिल्कुल मैं आपके साथ अग्री करूंगी. रेसिप्रोकल हो गया. तो मैंने पहले भी बोला कि हर किसी चीज का, नई इजादत का हमें हर पहलू देखना चाहिए कि हम अगर हम इसकी तरफ ज्यादा वक्त लगाएंगे क्या हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा हो गई, हार्ट अटैक ज्यादा हो गई. मुझे लगता है कि ये भी एक काज है कि हम ज्यादा ये इसका इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा डिप्रेशन के वैल्यू ज्यादा बढ़ गए हैं. बिल्कुल, आपने डिप्रेशन की यहाँ पे बात की, तो एक और चीज मेरे जहन में आई कि सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कई बार ऐसा होता है कि जो भी यूजर होता है, जो भी इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक रेस में लग जाता है. वो सोचता है कि मैं सामने वाले से कैसे अपने आप को सुपीरियर दिखाऊं, कैसे ये दिखाऊं कि मेरी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही अच्छी है, सेटल्ड लाइफस्टाइल है, मैं बहुत खुश हूं. चाहे वो अपनी लाइफ में मे बी वो परेशान हो, या जैसे आपने डिप्रेशन की बात की, डिप्रेस्ड हो या कोई उसको प्रॉब्लम हो, बट सोशल मीडिया पे हमेशा वो इंसान यही मेक श्योर करता है कि सामने वालों को, मेरा प्रोफाइल देखने वालों को ऐसा ना लगे कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ. मैं अपनी लाइफ बहुत ही खुश, बहुत ही परफेक्ट दिखाने की कोशिश में होते हैं अक्सर लोग. लेकिन इब्तिसाम, आपको लगता है कि एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करने लगते हैं लोग सोशल मीडिया का यूज करते करते? बिल्कुल होता है ऐसा. बेसिकली हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, एंड हमें अच्छा लगता है जब वो सारे लोग इसे देखते हैं. देर आर व्यूवर्स, देर आर लॉट ऑफ लाइक्स, देर आर लॉट ऑफ कमेंट्स, एंड दैट्स हाउ सोशल मीडिया हैज बीन. एंड देर आर जब इतने सारे कमेंट्स, देखो बेसिकली होता क्या है, आई बिलीव दैट थिंग्स हैव चेंज्ड इन फैमिलीज, इन लाइव्स. पीपल डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर, फैमिलीज डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर, द फैमिली मेम्बर्स. तो क्या होता है, जो ये छोटी सोशल मीडिया में ऐसे लाइक्स एंड कमेंट्स मिलते हैं लोगों को, दे गेट हैप्पी विद दैट एंड दे आर सेटिस्फाइड विद दैट. हालांकि इट्स वेरी टेम्पररी एंड इट्स नॉट इवन रियल. जो रियल है उसमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं,
सोशल मीडिया यूज आप डिनाई नहीं कर सकते, उसको यूज ना करना, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज अ प्रॉब्लम. व्हाट टू डू विद इट? देयर इज नो सॉल्यूशन. आई मीन इट्स इनसाइड अ पर्सन, बट येस आई इट्स 100% फॉर श्योर कि फेक अकाउंट्स होते हैं, फेक प्रोफाइल्स होते हैं, फेक लाइव डिस्प्ले की जाती है. हालांकि दे आर एक्चुअली यू नो इनसाइड दे आर वेरी डिप्रेस्ड, लोन, आइसोलेट, इन आइसोलेशन एंड डोंट टॉक टू मच पीपल. बट एट द सेम टाइम आई थिंक अ लॉट ऑफ सिंगर्स, आर्टिस्ट आर देयर, जैसे कि इन्होंने कहा दे हैव कम आउट, जिन्होंने अपनी बात सामने रखी है. देयर इज थर्ड जेंडर जो अपने आप को सामने रख रहा है, तो जो कि अच्छी बात है. मुझे हमें पता है कि हमारे समाज में उन्हें उतनी ज्यादा यू नो इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई थी या उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी हुई थी. हालांकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, एंड दे डू डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट विद अस. सो आई रियली लाइक दैट कि जो लोग डिजर्व करते रिस्पेक्ट, दे कम फॉरवर्ड एंड दे कम आउट एंड दे स्पीक अबाउट देमसेल्व्स, तो वो मुझे अच्छा लगता है. आयत, आपका क्या इस बारे में क्या कहना है कि ये जो फेक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं लोग, ये दिखाने की, मतलब क्यों, मतलब व्हाट डू यू थिंक इसके, मतलब साइकोलॉजिकली क्या एक इंसान के दिमाग में चलता होगा कि वो कोशिश करता है कि मेरी लाइफ परफेक्ट दिखे सामने वाले को? आई वुड कॉल इट द फेयर ऑफ बींग निग्लेक्टेड, द फेयर ऑफ बींग, द फेयर ऑफ मिसिंग आउट. आई वुड से कि एक इंसान, आई मीन वी आर ऑल ह्यूमंस, वी हैव इमोशनल नीड्स. लोग हैं जिन्हें, जब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पोस्टिंग अ पिक्चर ऑनलाइन एंड देर आर थ्री पीपल हु आर कमेंटिंग पॉजिटिव ऑन योर पिक्चर, हु आर अप्रिशिएटिंग योर कंटेंट, राइट, तो उसके बाद यू ऑब्वियसली एनीबडी वुड लाइक इट. लेकिन फिर क्या होता है कि एक इंसान में वो एक अर्ज पैदा होती है. इट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया. आई वुड से दैट यू हैव दैट अर्ज विद इन योर सेल्फ कि मुझे अब और एक फोटो डालनी है, एंड यू जस्ट वॉन्ट टू बी देयर. एंड आप सोचते हो कि अगर आज मैंने पोस्ट नहीं किया, पीपल माइट फॉरगेट मी, मुझे, मैं किसी को याद नहीं रहूंगी. सो दिस, आई थिंक दिस अर्ज इज ऑल्सो देयर कि लोग चाहते हैं वो वहां रहें, पीपल नोटिस देम, पीपल टॉक अबाउट देम. सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन वाई पीपल कीप पोस्टिंग एवरी डे, जेनरेट कंटेंट एवरी डे एंड आर देयर एवरी डे, एंड दे वॉन्ट टू बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट, इन अ वेरी हैप्पी लाइट, एंड ताकि लोगों को पसंद आए जो वो डाल रहे हैं अपने प्रोफाइल्स पे. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो रीजन कि लोग क्यों अपना डार्कर साइड चोरी रखेंगे या छुपा के रखेंगे, और दे ट्राई टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन अ वेरी लाइटर मैनर ताकि लोग अट्रैक्ट हो और लोग पसंद करें. एडिंग वन लाइन टू हर, व्हाट हैपन्स यू नो व्हाई यूजिंग सोशल मीडिया, एवरी पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी, इवन इफ इट्स नेगेटिव पब्लिसिटी. बिल्कुल, इट्स लाइक दैट. ऑलराइट, अगर मैं आपसे पूछूं इब्तिसाम, इफ यू कुड शेयर एक कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने पर्सनली आपके साथ हुआ हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, विच वॉज नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया. आई कैन से समथिंग दैट इफ यू ऑल रिमेंबर, देर वॉज दिस वंस इंसिडेंट दैट, आई मीन होल कश्मीर माइट रिमेंबर दिस, कि देर वर थ्री फ्रेंड्स गर्ल्स एंड देयर वीडियोज यू नो वो वायरल हो गए थे, उनके वीडियोज जो क्लेम हुआ था कि वन ऑफ इज एक जो तीन में से एक लड़की थी उसके बॉयफ्रेंड ने वो वीडियो वायरल किया हुआ था काफी सोशल मीडिया पे. तो दैट्स अ वेरी टेरिबल एंड डिसगस्टिंग थिंग दैट एवर हैपन थ्रू सोशल मीडिया, एंड इट शुडंट हैपन. बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि सोशल मीडिया शुड बी यू नो इन करिकुलम्स, इन स्कूल करिकुलम, सो दैट मैन वुमेन बॉयज गर्ल्स यंग चिल्ड्रन नो हाउ टू यूज इट रादर देन यूजिंग इट इन अ नेगेटिव वे. बिल्कुल, तो आयत, अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि क्या आप मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को जो इस टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो क्या होगा? मेरा मैसेज बहुत ही प्रिसाइज है कि अगर आप एक जगह पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं और उसका क्या रिएक्शन आएगा, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेक श्योर कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, किसी का इंटेंशन ना हो कि किसी का दिल दुखे, इंटेंशन ना हो कि कोई हर्ट हो, बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया. बिल्कुल, नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के इस प्रोग्राम से कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और आप वो अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेंगे. आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज. Thank you.
जब भी हम भारतीय एकजुट हुए, जो हमारा था हमने वापस लिया, जो हम चाहते थे